हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज के हमारे बहुत ही यूजफुल किचन और घर का टिप्स, जिससे हमारी समय, सामान, मेहनत सब कुछ बच जाएगी। किचन और घर का काम बहुत ही आसान हो जाएगी। पसंद आए तो ऐसे भी वीडियो में बने रहेंगे और प्यार देते रहेंगे। देर ना करके चलिए शुरू करते हैं आज के बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स एंड ट्रिक्स। तो पहला टिप्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला टिप्स हमारा अनार को लेकर है। जो भी अनार हम मार्केट से खरीदते हैं, छोटा हो, बड़ा हो, और ये लाल रंग की हो और ये हमारी हरे रंग की हो, जो भी अनार खरीदते हैं, अनार खरीदने के बाद ये अनार एक ऐसी फल है जो बहुत दिनों तक रहता है और कुछ नहीं होता है। इससे क्या होगा कि अनार जब भी हम लोग काटते हैं तो उसको क्या करते हैं, बीच में से कट मार्क लगाते हैं और इससे क्या होता है, अनार की रस निकल आती है और हमारी हाथ जो दाग हो जाती है धीरे धीरे, अनार की रस जो होती है काला पड़ जाते हैं और हमारी कपड़े वगैरह में लगती है तो कपड़े भी हमारे रंग हो जाते हैं जो कि बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। तो चलिए बहुत ही यूजफुल यहाँ पे ट्रिक्स देखते हैं। जब भी आप अनार काटते हैं, इस तरह से अनार की जो जॉइंट वाले पोर्शन है ना, उसी में से कट कट मार्क लगा दीजिए। जितने जॉइंट पोर्शन है उसी में से कट मार्क लगाइए। लगाने के बाद देखिए सारे अनार ऐसे अलग हो गए और एक एक अनार को हम यहाँ पे पकड़ेंगे और देखिए इस तरह से बहुत ही इजीली हमारे सारे अनार के दाने बाहर आ गए। इससे क्या होता है कि देखिए कुछ भी हमारा जो अनार के दाने हैं बिल्कुल खराब नहीं होते। ऐसे कि बहुत सारे अनार के दाने इसके रस निकल आते हैं और ये दाने कट जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बहुत ही सिंपल, समय का बिल्कुल आपके खराब नहीं होगा। इससे आपके हाथ के रंग भी नहीं होंगे, हाथ बिल्कुल सफेद रहेंगे। देखिए सारे अनार आ गए मिनटों में। जब भी अनार खानी हो इस तरह से आप कट मार्क लगा के बच्चों को टिफिन में दे दीजिए, वो ऐसे ही निकाल के खा लेंगे। और ये छिलका आप क्या करते हैं दोस्तों, छिलका फेंक देते हैं ना, बिल्कुल मत फेंकिए। बहुत ही यूजफुल हैक्स बताती हूँ। जब भी अनार काटते हैं इसके छिलके को रख लीजिए फ्रिज में, नहीं तो जब भी उस टाइम पे आपको कुछ करना है तो कर लीजिए। छिलके को आप क्या करेंगे, पहले पानी में डालिए, पानी पीने का पानी जो आप खाना बनाते हैं उसी पानी में डालिए। और इसमें क्या करें, अगर आपके पास छोले हैं, छोले अगर आप भिगोते हैं ना, उसमें थोड़ा अनार के छिलके डाल के छोले भिगोइए, आप देखेंगे इसका मजा। मेरे पास छोले नहीं है, इसमें मटर डालती हूँ अनार के छिलके में, तो इससे दो बेनिफिट होगा। इससे तो क्या होगा, हमारी मटर की कलर थोड़ी चेंज हो जाएगी और इसमें हम थोड़ा नारियल तेल डालते हैं, फटाफट ये भीग जाए और छोले का रंग बढ़िया आता है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला हैक्स हमारी यहाँ पे आलू को लेकर है। आलू एक ऐसी सब्जी है जो खाने से हमें बहुत ही पसंद आता है, आलू खाना बहुत ही अच्छा लगता है। हम क्या करते हैं यहाँ पे, कुछ भी आलू का रेसिपी बनाना हो, थोड़े बहुत आलू हम उबाल के भी रेसिपी बनाते हैं, तो जब भी हम आलू बनाते हैं, आप जब भी आलू बनाते हैं ना, आलू को क्या करेंगे, तो इस तरह से फोर्क लेंगे, फोर्क को क्या करेंगे आलू के अंदर घुसा देंगे, एक फोर्क में एक आलू लग जाएगी। यहाँ पे हमारी बहुत सारी चीज बचने वाली है, एक तो समय बचने वाली है और दूसरी वाली और एक बहुत ही जरूरी चीज बचने वाली है। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे फोर्क में हम आलू को अच्छे से घुसा लिए। आप जितने आलू करते हैं उस तरह से फोर्क लगा दीजिए। यहाँ पे हम चलते हैं, इस तरह से हमें पकड़नी बहुत आसान हो गई और ये आलू फोर्क में लग के रह गया। तो जब भी हम चावल बिठा दे, इस तरह से चावल हम बिठाते तो गैस में तो चावल बिठाते हैं ना, तो गैस की यहाँ पे गैस भी जलती है, तो इस तरह से हम आलू थोड़ा डाल दे फोर्क के साथ। जब भी हमारी आलू हो जाए ना, हम पूरा फोर्क को निकाल देंगे, आलू आ जाएगी। कभी कभी हमारे आलू चावल में गुम हो जाती है और इससे हमारी गैस बचत हो गई। आलू को दोबारा हम उबालेंगे तो गैस की तो खर्चा होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला हैक्स हमारे और भी बढ़िया है। जब भी आप कुछ भी नॉनवेज वगैरह बनाते हैं, स्पेशली जब भी आप फिश फ्राई करते हैं, मछली तलते हैं, मछली को फ्राई करते हैं, कुछ भी नॉनवेज फ्राई करते हैं, उसे एक दिक्कत होती है, स्पेशली फिश के साथ होती है। फिश फ्राई करने के बाद एक दिक्कत होती है, फिश की जो तवा होती है, पैन होती है, कढ़ाई होती है, वो बहुत ही चिपक के रह जाती है और बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है, बदबू आती है और इसको साफ करना थोड़ा हमें दिक्कत लगता है। छोटा सा काम करेंगे, जब भी आप फिश फ्राई करते हैं, अपनी पैन में क्या कीजिए, एक नींबू निचोड़ लीजिए और देखिए हम यहाँ पे गर्म पानी बिठाए और यहाँ पे मैंने थोड़ा भीम साबुन डाल दिया था, इसमें आप लिक्विड भी डाल सकते हैं, कोई शैम्पू भी डाल सकते हैं। गर्म पानी आप अच्छे से उसको उबाल लीजिए और हमने जो नींबू इसमें निचोड़ा था ना, वो नींबू के छिलकों को हम घिस लेते हैं। इससे दो बेनिफिट होगा, एक तो हमारी पैन जो हम घिस रहे हैं ना, यहाँ पे पहले जो नींबू की जो सिट्रिक एसिड है, ये जो खट्टापन है, जो चिकनाई को हटाती है, और जो बैड स्मेल है, आप कढ़ाई धोने के बाद देखेंगे, अब अगर आप गैस पे बिठाते हैं तो अजीब सी स्मेल आती है, नॉनवेज की स्मेल जो अच्छा नहीं लगता है, ये भी हट जाती है। दूसरी बात, ये जो गर्म पानी हमने किया ना उसको डाल दीजिए,
गर्म पानी को डाल दीजिए और इसमें जो करछी भी उसको डुबा के रख लीजिए, क्योंकि नॉनवेज बनाना जितना मुश्किल है उसको उसकी कढ़ाई वगैरह साफ करना उतनी ही मुश्किल लगता है हमें। तो ये गर्म पानी आप डाल के कम से कम 15 मिनट रख लीजिए, पूरा पैन फुल कर लीजिए गर्म पानी। और देखिए ये सारे जो तेल की चिकनाई होती है वो हट जाती है और जो बैड स्मेल होती है तब जो कढ़ाई में रह जाती है वो भी हट जाती है। ये बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है लेकिन बहुत ही काम करता है और अच्छा लगता है ये ट्रिक। देखिए हमारी कढ़ाई साफ हो गई, अब चलिए हम इसको स्क्रबर से साफ कर लेते हैं। इससे क्या होगा, आप नॉर्मली क्या करते हैं कढ़ाई मछली वगैरह फ्री फ्राई करने के बाद आप क्या करते हैं, जैसे ही सिंक में डाल के साफ कर लेते हैं और बाद में अजीब सी बदबू आती है जब भी आप दोबारा खाना बनाते हैं। तो ऐसे फिश फ्राई होने के बाद कुछ भी नॉनवेज बनाने के बाद, कुछ भी नॉनवेज हो आप बनाने के बाद, कढ़ाई में थोड़ा नींबू घिस लीजिए, निचोड़ के नींबू का रस डाल दीजिए, नहीं तो विनेगर डाल दीजिए और इसमें गर्म पानी डालिए, डाल के आप कम से कम 10-15 मिनट रख लीजिए, फिर इसको साफ कीजिए। कढ़ाई में से बदबू नहीं आएगी, अजीब सी बैड स्मेल नहीं आएगी और कढ़ाई साफ करना एक बहुत ही आसान होगा। नहीं तो नॉनवेज बनाने के बाद कढ़ाई साफ करना हमें बहुत ही दिक्कत लगती है, बहुत ही झंझट लगती है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला हैक, और भी बढ़िया है, जुगाड़ू है लेकिन बहुत ही हेल्पफुल है। घर पे हमारी पिलो कवर होती है, तकिए की कवर होती है, उसको लेते हैं हम। पुराने वाला तकिया कवर हो तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे तकिए की कवर ले ली और इसको पानी में अच्छे से डुबा के इसको अच्छे से निचोड़ लेती हूँ। ये गीला होना बहुत ही जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, तकिए की कवर को, पिलो कवर को अच्छे से गीला कर लेंगे और यहाँ पे निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हमारी जमीन पे अच्छे से फैला देंगे। अच्छे से थोड़ा निचोड़िए, पानी रहनी नहीं चाहिए, बाद में हम इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं लेकिन अभी नहीं। हम इसको फैला देते हैं जमीन पर। देखिए सबसे बहुत ही जरूरी चीज हम यहाँ पे करेंगे, इसको हम अच्छे से फैला के रखेंगे। बहुत ही चीज हमारी खराब हो जाती है जैसे कि हम लेकर आते हैं बाजार से। ये देखिए हमारी साजन जो कि ड्रमस्टिक बोलते हैं, मैं अपनी बगीचे से लेकर आई थी, पेड़ टूट गया था। तो देखिए थोड़े बहुत यहाँ पे कच्चा है, मतलब थोड़ा छोटा है, पक्का नहीं, ये थोड़ा पक चुका है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक दिक्कत होती है जो सहजन होती है, इस लंबा लंबा सब्जी होती है तो ये इसके खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। एक तो बीपी को, हमारी हाई बीपी को कंट्रोल करती है, सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है, मोरिंगा हम लोग बोलते हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम इसको फ्रिज में रखते हैं ना ये टूट जाती है दोस्तों। तो ये टूटने के बाद इसकी टेस्ट बहुत ही अजीब होती है, बहुत ही खराब हो जाती है, खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं होता है। इसको रखने का तरीका बहुत ही बेहतरीन है, आसान है। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप ये तरीका अपनाइए। ये सहजन को लीजिए और यहाँ पे पिलो कवर में आप इसको डाल दीजिए। पिलो कवर गीला होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि सूख जाती है बहुत जल्दी और ये बाजार में बहुत ही महंगी मिलती है। अगर आपको ऑर्गेनिक मिल जाती है तो इसको थोड़ा बचा के रख लीजिए, 2-4 दिन चल जाएगी। हमें ऑर्गेनिक सब्जी जो हम खाते हैं बहुत ही सेहतमंद होती है। तो चलिए इसको हम लंबाई में रख लेते। रखने के बाद देखिए पिलो कवर हमारा लंबा है तो ये साजन बहुत ही अच्छे से रह जाएगी। फ्रिज में काट के रखने की जरूरत नहीं है। अगर फ्रिज नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है। इसको अब अच्छे से लपेट लीजिए, इसमें एक धागा बांध लीजिए नहीं तो रबर बांध लीजिए। बीच बीच में इसके ऊपर ना थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए तो ये गीला होके रहना चाहिए। आप कहीं पे भी रखो, बाहर भी रखो, आपकी साजन एक हफ्ते तक बिल्कुल नहीं खराब होगा, बिल्कुल नहीं सूखेगी और टेस्ट में बिल्कुल इधर उधर नहीं होगा, पूरा बरकरार रहेगी इसकी टेस्ट। आप करके देखिए, बहुत ही यूजफुल टिप्स है, बहुत ही जुगाड़ू है। पहले जमाने में फ्रिज तो नहीं था, कैसे रखते थे सब्जी, ऐसे ही रखते थे और हफ्ते भर फ्रेश रहता था। आई होप आज का ये यूजफुल टिप्स आप लोग को पसंद आए तो ऐसे बने रहिए, प्यार देते रहिए। तो चलिए मिलते हैं कल के अच्छे वाले टिप्स एंड ट्रिक्स में और हेल्पफुल टिप्स एंड ट्रिक्स में।